नमस्कार दोस्तों, शान किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। पोहा बनाने के लिए मैं चूरा ले ली हूँ, प्याज काट ली हूँ, अदरक लहसुन मिर्च टमाटर धनिया पत्ता। अब मैं जा रही हूँ गैस जलाने। हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब मैं सरसों तेल को डाल देती हूँ। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब मैं जीरा को डाल देती हूँ। अब मैं हरी मिर्च को डाल देती हूँ। अब मैं प्याज को डाल देती हूँ। अदरक लहसुन डाल देंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर को डाल देती हूँ। अब मैं गोलकी जीरा का पाउडर डाल देती हूँ, चला लेती हूँ। अब मैं टमाटर डाल देती हूँ, चला लेती हूँ। टमाटर को अच्छी तरह हम पकने देते हैं। अब मैं चूरा को डाल देती हूँ। चूरा के 5 मिनट पहले हम अच्छी तरह इसे धो लिए थे, इसे चला लेती हूँ। अब इसमें स्वाद अनुसार मैं नमक को डाल देती हूँ। धनिया पत्ता को मैं डाल देती हूँ, ऐसे अच्छी तरह चला लेती हूँ। हमारा पोहा बनकर तैयार हो चुका है, अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट खिला खिला पोहा बनकर तैयार है। मेरी इस रेसिपी से पोहा जरूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।